आप सब लोगों को बता दूँ, कोई डाटा नहीं, सिर्फ एक थीम बता रहा हूँ। शुरुआती दौर से जो मेरी किताब है खाकी में इंसान, मैंने अपने 34 साल प्लस की सेवा में एक ही कोशिश की है कि पुलिस अपराधियों के लिए सख्त होनी चाहिए, आम आदमी के लिए मित्रवत होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए और विक्टिम के लिए संवेदनशील होनी चाहिए। सख्त और संवेदनशील का मैं अपने लिए एक टारगेट बना के चला, वही टारगेट मैंने उत्तराखंड पुलिस को भी दिया था और उसमें कितना सफल हुए वो ऐसे आप लोगों ने किया होगा। उसी वजह से आप देखेंगे ये सख्ती के लिए थे कि भाई माफियाओं पे अपराधियों पे शिकंजा कसा जाए। या मिशन हौसला था जिसमें सबके लोगों के साथ मिलकर के कोविड की चुनौती से लड़ा गया। हम तो कोविड की चुनौती के बीच में चार गए थे। तो मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब बहुत अच्छी कवरेज मुझे मिली है, बल्कि मुझे यहाँ तक मुझ पर चार्ज लगता रहा कि मैं मीडिया मैनेज करता हूँ तो वो कितना करता हूँ तो आप लोगों को ही पता होगा भाई, मैं तो जैसा भी करता हूँ। तो मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ, थैंक यू। थैंक यू। आपने पूछा, देखिए पुलिस का जो नौकरी है पुलिस की वो हमेशा अनुभवों से भरी है, हर दिन कोई ना कोई नया अनुभव होता है। इलाहाबाद के अंडर ट्रेनिंग दिनों से शुरुआत करके आज आखिरी पायदान पे हैं, 34 साल पूरा हो गया। तो बहुत सारे अनुभव शुरुआती दौर में मंडल और कमंडल के आंदोलन चलते थे, फिर हमने तराई का आतंकवाद देखा, फिर हमने चमोली में उत्तराखंड आंदोलन की पूरा पीरियड मेरे टाइम में बीता 100%। और फिर हरिद्वार के मेले ठेले और हरिद्वार के जो क्राइम था यूपी के बॉर्डर का वो सब भी देखा। मैं काफ़ी टफ जिलों में भी रहा, शाहजहाँपुर मैनपुरी जो बिल्कुल क्राइम का गढ़ माना जाता है यूपी में, और मथुरा जैसे इंटरस्टेट बॉर्डर वाले जिले में भी रहा। तो काफ़ी चुनौतियां देखी हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस की ज़िंदगी जो है ना रोज़ एक नया अनुभव है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि एक पूरी PhD है, एक ही बड़ा जैसे कुंभ मेला है, कांवड़ मेला है, एक ही चीज़ आपको जाने कितनी बातें सिखा जाती है। जैसे अभी टनल ही है, इस ऑपरेशन में भी कितना सिखाया होगा डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को। तो पुलिस की नौकरी में ये रोज़ की चीज़ें हैं। मैं इसको इस तरह से समराइज कर सकता हूँ कि पुलिस बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही टफ, किंतु बहुत ही इंजॉय। हमने लाभों को क्योंकि हमें लाखों लोगों की मदद करने के मौके भी मिलते हैं। पुलिस की सेवा में जो इतना टफ नौकरी रहती है उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने इस पीड़ित की मदद करी, उसकी मदद करी, यहाँ पे कानून व्यवस्था बना के रखी, यहाँ दंगे नहीं होने दिए, तो वो एक जो संतुष्टि है वो आपको कैरी थ्रू करती है। ना कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर, आपने तमाम ये तो पब्लिक और मीडिया एसेस करेगी, पर हर एक के अलग अलग वो है। मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ मिशन हौसला इतना बड़ा अभियान था कि वो जनता के लिए राइट टाइम पे, मतलब जैसे कहते हैं ना रामबाण की तरह आया। लोग बागों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोग बागों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग वहाँ को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, एडमिट हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। आपको तो पता ही है एम्बुलेंस में ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी, हॉस्पिटल का एडमिशन कितना टफ, खासकर कोविड की दूसरी लहर, तभी हम मिशन हौसला लेकर के आए थे। और हमने कितने हजार लोगों का हमने वो किया, लोग बाग कोई अपने उनको दाह संस्कार करने नहीं आ रहे थे, अपने लोगों का, अपने रिलेटिव्स का, वो पुलिस ने करवाया। तो मिशन हौसला एक बहुत बड़ी कामयाबी था। ऑपरेशन मुक्ति को भी मैं, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो शॉर्ट टर्म था, एक साल है ना, तो हर एक की अपने अपनी वैल्यू है, बट मैं मिशन हौसला और ऑपरेशन मुक्ति को सबसे बड़ा मानता हूँ इस रूप में। जैसे कहा ना कि मैं कल हल्द्वानी में था, लोगों ने कहा साहब, जो अधिकांश के मुँह से निकला कि पुलिस को पब्लिक के नज़दीक किया आपने, पब्लिक के मन से लोगों का डर, लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म हुआ। अगर ऐसी बात पब्लिक बोल रहे हैं तो मुझे खुशी है, क्योंकि मेरा थीम है कि आम आदमी पुलिस से क्यों डरे, पुलिस का डर सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए। तो वो क्या है ना, वो 100% तो नहीं अचीव होता, इस दिशा में कितना परसेंट मैंने अचीव किया होगा वो तो आप असेस करेंगे। इसी तरह से साइबर क्राइम और ड्रग्स है, हमने पूरा इसको थ्रस्ट एरिया बनाया, फोकस एरिया बनाया, इसके बावजूद भी पूरा तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगले आने वालों के लिए भी चुनौती बनी रहेगी। चुनौती कोविड की बहुत बड़ी, फिर कोविड के दौरान कुंभ होना,
वो बहुत बड़ी चुनौती थी और उसमें कुछ सवाल भी उठने लगे थे, आपको पता ही है, लोगों ने कुछ झूठ भी फैलाया। चुनौती हमारे विद इन पुलिस जो ग्रेड पे को लेकर के इशू बना था वो भी बहुत बड़ी थी, ठीक है। जो अभी टनल वाली चुनौती बहुत बड़ी थी, किंतु उसमें केंद्रीय एजेंसीज भी लगी थी। जो हमारे कांवड़ मेला है, जो चार धाम है, वो तो एक परमानेंट चुनौतियाँ हैं। तो मैं ऐसे तो नहीं असेस करता कि सबसे बड़ी कौन सी थी, वो तो आप ही लोग कर सकते हैं। क्या सर, पुलिस फोर्स के लिए यही संदेश है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना पुलिस को हम अपने थीम की और जितना ले जा सके, उसमें कितने परसेंट सफल हुआ तो वो सब होने की वजह से हुआ। जो आज दो तीन पैरामीटर्स में हम इंडिया नंबर वन है, वर्कआउट रेशो में नंबर वन है, प्रॉपर्टी रिकवरी में नंबर वन है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरी टीम की वजह से। तो पुलिस वाले हमारे साथ ही मिल करके केसेस वर्कआउट करते हैं, रिकवरियां करते हैं, तभी तो ये रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी थोड़े दिन रेस्ट करूँगा, पर ये जरूर है कि हाँ कुछ ना कुछ करूँगा जरूर। मतलब सेकेंड इनिंग्स मेरे को एकेडमिक्स पसंद है, आपको पता है, स्पोर्ट्स पसंद है, लिखना पढ़ना पसंद है, तो कुछ ना कुछ इसी इन फील्ड्स में कुछ ना कुछ। तो यानी कि सर रिटायरमेंट के बाद कुछ नई किताबें, नया कुछ आएगा? जरूर जरूर सर, ऐसा कोई दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। ये लोग बात कयास लगाते रहते हैं, जैसे इन्होंने बोला एक्सटेंशन, मैंने कभी किसी से आज तक मैं रिक्वेस्ट किया नहीं, सोचा मैं एक्सटेंशन का सोचा मैं कभी, मैंने राजनीति के आने का कोई इरादा नहीं। वो मेरे हाथ में नहीं है, जब होगा तब सोचेंगे। देखो यहाँ की तीन चुनौतियाँ तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी, ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर। तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया, देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी, पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। फोर्स को सर तो हमारा यही संदेश है कि मेरे कार्यकाल से कुछ भी मेरे करियर से उन्होंने सीखा हो कि भाई लोगों की पीड़ित की मदद करनी है, आम आदमी ऐसी पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी के मन में उसको देख के खुशी हो, सुरक्षा की भावना पैदा हो और अपराधियों में उसका डर हो, यही संदेश। मैं आपको सच बताऊं, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है क्राइम पहले से बहुत कम हो चुका है। मैं एसएसपी हरिद्वार भी था, 95-96 में भी था, 2002 से 4 में भी था, तभी हमने उसको 3/4 कर दिया था, अब तो और कम हो गया। अगर आप क्राइम के आंकड़े मर्डर वगैरह को उठाएंगे ना, हार्ड कोर थे तो वो पहले तो इतना मर्डर रोड डकैती कितना ज़्यादा होता था, रोड होल्डअप होते थे, किडनैपिंग और रैनसम होते थे बहुत, तो वो सब कम हो चुका है। अब तो क्राइम जो है ना सफेदपोश क्राइम बढ़ गया, व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे बोलते हैं ना, लैंड माफिया, नकल माफिया, नौकरी के नाम पे माफिया, यहाँ काम करवा देंगे उसके फ्रॉड कर, ये फ्रॉड बढ़ गए और फिर साइबर फ्रॉड, तो ये नए टाइप के क्राइम बढ़ गए, ट्रेडिशनल क्राइम कम हुआ।